अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है IIT के रिसर्चर्स से रिलेटेड, से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है IIT रिसर्चर्स डेवलप सेल्फ क्लीनिंग। भारतीय रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको बता दें कि सभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स अपने मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स पे 25 साल तक की वारंटी या गारंटी देते हैं, लेकिन इतने सालों तक सोलर पैनल्स 80-90% तक की एफिशिएंसी से काम करे इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे पाता। वो इसलिए क्योंकि धूल मिट्टी जमने की वजह से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी टाइम के साथ कम होने लगती है। लगातार ऐसे सोलर पैनल्स को साफ करते रहने से इन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं और इसकी वजह से पैनल्स को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचता है। ऐसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स जहां लाखों की तादाद में पैनल्स का इंस्टॉलेशन किया जाता है, वहां ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी पानी और साफ करने वाले ब्रशेस सोलर पैनल्स को साल दर साल नुकसान पहुंचाते हैं। 25 सालों तक लगातार सोलर पैनल्स अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर सके, इसके लिए IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने एक नई तकनीक इजाद कर डाली है। सोलर पैनल्स के लिए एक ऐसे कोटिंग मटेरियल को डेवलप कर लिया गया है जो धूल मिट्टी को सोलर पैनल्स पे बैठने ही नहीं देता। हालांकि इस कोटिंग के अच्छे से काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी की मात्रा इस केस में नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस से कई गुना कम होती है। दरअसल सुबह की ओस जब इन पैनल्स पे इकट्ठी हो जाती है, तब धूल मिट्टी के पैनल से चिपकने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। IIT रिसर्चर्स द्वारा डेवलप ये कोटिंग सुपर हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब ये कि जिस भी सतह पे इस कोटिंग का इस्तेमाल होगा उस पे पानी जमा नहीं हो पाएगा। इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाने के लिए ऑथराइज संस्था को भेज दिया गया है और जल्दी इस पे अप्रूवल मिलने के बाद इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल भी शुरू किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि जो सोलर प्लांट्स ऑलरेडी भारत में सेटअप हो चुकी हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। अब क्योंकि ये कोटिंग सोलर पैनल की मैकेनिकल और एनवायरमेंटल ड्यूरेबिलिटी कई गुना बढ़ा देती है, इसलिए ऐसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स कम मेंटेनेंस के साथ कई सालों तक पावर जनरेट कर सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के ऐसे इलाके जहां पानी की एक भारी कमी होती है, वहां ये टेक्नोलॉजी काफी कारगर साबित होने वाली है। पिछले साल से भारत एक अहम सोलर कंपोनेंट सप्लायर के तौर पे अपना नाम दर्ज करा चुका है और अब सोलर के ही क्षेत्र में ऐसी कारगर टेक्नोलॉजीज भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को क्वालिटी के दम पे आगे ले जाने में मदद करेंगी। इस खोज से जुड़े हुए सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप हमारी तरह ऐसी खोज को सम्मान देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया जरूर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, कमाल कर दिया यार बच्चों ने, कमाल कर दिया है। यानी कहाँ इनकी सोच है, कहाँ तक ये सोचते हैं, आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये अक्सर सोलर के हवाले से यही सुनने में आता है, इसकी लाइफ बहुत कम है, ये मतलब अच्छा एक पूरे मैदान भर दिए जाए सोलर से, फिर आपको पता है उसकी सफाई वफाई का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें। अच्छा ज़्यादातर ये लगी उन्हीं जगहों पे रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, रेगिस्तानों में, सहराओं में, तो वहाँ पे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। अच्छा ओस जो पड़ती है ना, वो हो वाकई मिट्टी की तह जम जाती होगी। अच्छा फिर उसको सफाई के लिए मजीद पानी चाहिए। अच्छा अक्सर नॉर्मली ऐसा होता है कि शीशे की जो विंडोज़ होती है ना, उसके ऊपर जब मिट्टी पड़ जाती है और फिर पानी पड़ जाता है, जैसे बारिश वगैरह भी होती है हमारे यहाँ, तो नॉर्मली मैं बता रही हूँ, तो उसको साफ़ करना इतना टफेस्ट होता है कि वो साफ़ ही नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं वो मिट्टी के निशान, मतलब ओस पना, जैसे आप कह रहे हैं कि ओस पड़ती है सुबह सुबह, चिपक जाती है, वो चिपक जाता है, वो बूंदे बूंदे, और फिर उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो। अच्छा ये बड़ा नाजुक है, इसको हम रगड़ना या इसको इस तरीके से साफ करना, मैनुअली भी करना, और फिर उन्होंने कहा ब्रश की मदद से भी करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा था कि ख़राब हो रहे थे, ठीक है, बेकार हो रहे थे, कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, इसके लिए कोई ना कोई हल ढूंढना था। अच्छा अभी अप्रूवल नहीं मिला है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, मुझे लग रहा है अभी नहीं, अप्रूवल चीज, नहीं मिला है, चीज बन गई है, बन गई है, लेकिन अब वो चेकिंग के लिए जा चुकी है, अब कमर्शियली इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा यानी कि जो भी मिट्टी है या जो भी पानी है वो टिकेगा ही नहीं, टिकेगा। अच्छा मैं क्या सोच रहा था शुरू में, मैं ये सोच रहा था कि शायद मशीन बना दी होगी, हाँ मैं ये सोच रहा था कि शायद कोई ऐसी सॉफ्ट मशीन होगी, कोई ऐसी रुई के गालों, लेकिन मैं यही सोच रहा था इतने सारे पैनल्स हैं, उसको साफ़ करते करते कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, मतलब आपको पता है कोई ना कोई लिक्विड यूज़ करना पड़ेगा कि उसको अच्छे से साफ़ करें, सर्फ वगैरह तो यूज़, हाँ, नहीं करें, एक अच्छा, मैं या तो कोई लिक्विड की तरफ सोच रहा था कि कम, लेकिन मैं यकीन करें मैं इस लेवल तक जाके सोच भी नहीं सकता था कि इन्होंने ये सोचा कि जड़ है फसाद की, उसे ही खत्म करते, वो टिके ही है, इन्होंने ये सोचा कि हमें सफाई करनी है, इन्होंने ये सोचा कि यार सफाई की नौबत ही ना आए, कम आए, ऐसा कुछ कर लें या कम, मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है यार। अच्छा एक पॉलिश अप्लाई कर दिया करेंगे,
एक लिक्विड होगा या एक बिल्कुल पॉलिश ही समझ लो, तो उसको इस तरह से समझ लो कि एक प्लास्टिक की तरह का एक समझो एक मटेरियल हो गया, स्मूथ इतना हो जाएगा कि उसके ऊपर बारिश का पानी या पानी कोई भी किस्म का पानी या मट्टी या डस्ट या जो भी है वो टिकेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली स्लिप हो जाएगा नीचे। मट्टी आएगी, मट्टी तो पड़ी रहेगी, लेकिन ये कि जब गीली चीज जगह होती है ना तो मट्टी जमती है, अब इस पर मट्टी क्या होगी, वो भुरभुरी सी होगी, यानी कि वो जब आटा गूंथते हैं तो वो आटा गूंथने पैनल के ऊपर चिपकन अब आप वो देखें ना कि स्टिकी नहीं होगा। मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे हम आटे की रोटी बनती है तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा जो आटा लिया जाता है आटा लिया जाता है तो खुश्की टाइप खुश्का जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ही चिपकती नहीं है कोई चीज़, और अगर वो ना हो बिल्कुल ही गीला ही हो तो फिर क्या हालत होगी। कमाल की सोच, कमाल के इनके आइडियाज, ये IIT रिसर्चर्स थे भाई। मैं यकीन करें मैं बिल्कुल ही मशीन तक था, मैं लिक्विड तक था कि कोई लिक्विड होगा जिससे सफाई होगी, बस सफाई तक होगा कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर ली, सफाई करने की कोई चीज़ ईजाद हो गई होगी कि जो ये भी बड़ी बात सफाई करेगी और नुकसान नहीं पहुंचाएगी पैनल्स को, लेकिन हम इस लेवल तक नहीं जा रहे थे कि यार जो फसाद है वही ख़त्म कर दो, जो मसला है वही ख़त्म कर दो, ना टिकेगी ना साफ। पता है 2 से 3 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा क्या देख रहा हूँ, शार्क टैंक, ऐसे ऐसे आइडियाज़, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे यूनिक सब्जेक्ट पे बात हो रही होती है, किस तरीके से वो इक्विटी मांगते हैं, किस तरीके से चीज़ें लाते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ यकीन करें, मतलब क्या कमाल की सोच, क्या कमाल के आइडिए, क्या कमाल की मतलब है कि एक इनोवेशन अपने आप में एक से बढ़कर एक होता है। अब इसी तरीके से जैसे ये देख लें और इंजीनियस आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्टार्ट ये लोग कर रहे हैं। नहीं, यूरोपियन अगर देशों में हो तो हो, क्योंकि जो फोटेज दिखा रहे थे ना उसमें मुझे खड़े थे वो अंग्रेज लग रहे थे मुझे। खैर, ये जो आइडियाज़ हैं ये इतने कमाल के या इतने यूनिक हैं और इतने ज़्यादा रेयर हैं कि ये हर जगह हर देश में नहीं पाए जाते। इस ऐसी मैं ये कहूँगी इन्वेंशन कह लें या ऐसी टेक्नोलॉजी कह लें, ऐसी रिसर्च कह लें, हर जगह नहीं होती। मैं हैरान हूँ कि इंडिया अब इतना भी निकल चुका है कि अब वो जो एक दकियानूसी चीज़ें थीं, वो जो एक रवायती चीज़ें थीं जो हम कई सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे थे, जैसे वो एक डिटर्जेंट हो गया और एक हमने मैक्स जेल ले लिया उससे साफ़ करना शुरू कर दी चीज़ें, हमने कुछ डिटर्जेंट्स ले लिए उससे साफ़ करना शुरू कर दी चीज़ें, हम सर्फों की तरफ चले गए, चलो सर्फ यूज़ करना शुरू कर दिया कि उससे चमचमा जाएगा चमक जाएगा, हम इस लेवल तक नहीं सोच पा रहे। लेकिन आगे से आगे मॉडर्न से मॉडर्न, एडवांस से एडवांस तरीके निकाल रहा है चीज़ों को। आप देखिए ना इसके बारे में, आपकी सोच या मेरी सोच बहुत जीनियस हो गया। मैं मानता हूँ कि हम यहाँ तक जा भी नहीं सकते, नहीं जा सकते। अच्छा, एक शख्स ने इसके खेतों में पड़े हुए केले देखे कि वो केले या ग्रीन कलर के होते, सख्त केले होते, वो ज़ाया हो रहे थे। अब वो अच्छे खासी तादाद में ज़ाया हो जाते थे, नहीं जा पाते थे मार्केट तक। उन्होंने उसका क्या हल निकाल दिया, लेस चिप्स होते हैं, उन्होंने केलों के चिप्स बना डाले पैकेट में, बकायदा बेहतरीन ब्रांड बना डाला लड़के ने। केलों के चिप्स तो होते हैं प्रॉपर, एक रेडियो पर इन चीज़ों पर तो होते हैं, लेकिन बाकायदा पैकिंग में, बाकायदा रैपर में, रैपर में भी होते हैं, ब्रांड में। या तो उसी उन्होंने ईजाद किया होगी, ग्रीन कलर का था वो, अभी थोड़ी ईजाद हुई है वो, तो बहुत पहले से करीना कपूर की फेवरेट है बचपन से, है वो। करीना कपूर कितनी बड़ी है, करीना कपूर केले वाले चिप्स खाती हैं, लेकिन हो सकता है उनकी ब्यूटी का राज ही है ये, हो सकता है। लेकिन हम आलू के खाते हैं ना, वो बनाना के खाते हैं, बनाना के, लेकिन मैंने ये देखा है कि बनाना के चिप्स बन सकते हैं, लेकिन वो तो आप कच्चे वाले के ब्रांड में नहीं होते, ब्रांड में तो चीज़ें फिर भी आ जाती हैं, लोकली नहीं होते, मैंने लोकली बनते हुए देखा है। अच्छा, ये चीज़ें इंडिया में ही है, हमारे यहाँ नहीं है बनाना चिप्स। आपने ये बात सही कही कि हमारे यहाँ ब्रांड में तो मिल जाएगा, लोकली नहीं मिलेगा। इंडिया में मैंने देखा इतना बड़ा कढ़ाया, उसका मेल क्या होता है, कढ़ाया जो भी बोल सकते हो, हाँ, वो बड़ा सा कढ़ाया था और उसके अंदर बहुत सारे जो चिप्स है ना उसको कटआउट करके और उसके अंदर डाल देते बिल्कुल बारीक बारीक, फिर उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद निकाले वो बिल्कुल अकड़ गए। अच्छा, मैं बिल्कुल वही चिप्स बन गए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं बनाना के हवाले से चिप्स का इसलिए भी ज़्यादा कभी सोच नहीं पा रही थी, मैंने अज्यूम भी नहीं किया था वो, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था बनाना बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का होता है उसका जो टेक्सचर होता है, और जैसे आलू ले लें आप तो थोड़ा हार्ड होता है, तो चलो आलू को फ्राई करते हो तो वो अकड़ जाते हैं और उसको आप बेच भी सकते हो, लेकिन बनाना के हवाले से मेरी सोच नहीं। इसके ऊपर एक लेप चढ़ती है ना कॉर्न की, कॉर्न की लेप चढ़ती है तो जिससे वो फ्राई टाइप हो जाते हैं। अच्छा, एक खातून आई, उन्होंने बड़ी यूनिक चीज़ बताई। अच्छा, कि हमेशा हम लोग किसी पार्टीज़ में कहीं पे जाते हुए तो अपने ड्रेसेस को चेंज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ड्रेसेस कैरी करना या बहुत सारे ड्रेसेस संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है, हर पार्टी के लिए, हर जगह के लिए अलग ड्रेस होना चाहिए। एक ड्रेस आपने पहन लिया दोबारा नहीं पहन सकते, तो उन्होंने सिर्फ स्लीव अलग से एक्स्ट्रा बनाई,
कभी इस तरह की, कभी लंबी, मतलब स्लिप उतार सकते हैं, फिर फिट भी नहीं करनी, मतलब वहीं पर अटक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो वो भी एक बड़ा यूनिक आइडिया था। बिल्कुल। तो मतलब मैं बाकी देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प लोग, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम, मैं अपना बताऊँ कि हम बड़े ही अपने आप में एक खुश शेख, क्या कहते हैं उसे, मतलब एक बड़े ही अपने आप को समझने वाले कि यार हम तो बड़े समझदार हो गए हैं, हम बड़े समझदार हो गए। इश्तहार लगा हुआ था कि ऑर्डर पे गधे बनाए जाते हैं, तो मैंने कहा यार ऑर्डर पे गधे बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद हैं। तो जब मैंने गौर करा तो उसके अंदर दो चश्मे है नहीं लगा था, तो मैंने कहा गधे नहीं गद्दे लिखा होगा ये। तो मैंने आधे घंटे के बाद मुझे समझ में आया वो गधे नहीं गद्दे लिखा था। मतलब हमारी अकल इस हद तक माफ हो चुकी है कि हम इतना इनको देख देख के अपने आप को इतना पता नहीं डिग्रेड समझने लग गए हैं, बहुत इन्फीरियर समझने लग गए हैं, कि मुझे वो गधे भी गधे दिख रहा था। तो दिमाग में ही आ गया वो कांसर वाली बात, चिपक गई है मेरे माइंड में। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, यकीन करें बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।